अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर को फैसला सुना दिया गया और 1045 पन्नों की जजमेंट तैयार की गई और उस हर एक जजमेंट में जजेस ने यह साफ तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक क्रिमिनल एक्ट था, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना क्रिमिनल एक्ट था और बाबरी मस्जिद को लेकर के जो नाइंसाफी हुई वो भी क्रिमिनल एक्ट है और एक 400 साल पुराना झूठ भी फैलाया गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई इसके कोई तथ्य और कोई सबूत हमें नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम तरह की समीक्षा बाहर आने लगी और उसमें तीन पूर्व जजों ने इसके ऊपर आवाज उठाई और उस आवाज को लेकर के हर कोई अब जजमेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं 1045 पन्नों में क्या कुछ लिखा गया है हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार क्या क्या बातें उन 1045 पन्नों में कही गई हैं। तो उन 1045 पन्नों में से जो 792 और 922 नंबर का पेज है उसमें सारे राज खुल गए कि आखिरकार ये जजमेंट में फैसला क्यों सुनाया गया। 922 और 792 नंबर पेज पर अपने जजमेंट में जजेस ने जो भी कहा है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि 792 और 922 नंबर पेज पर क्या कुछ लिखा हुआ है। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने विरोधाभासों से भरा है कि न्याय के किसी भी तर्क से उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी उसे सिर्फ इस आधार पर स्वीकार करने की अपील की जा रही है ताकि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे और मंदिर मस्जिद के जिस विवाद ने पिछले 30 सालों से भारत की राजनीति पर कब्जा जमा रखा है उसका अंत हो और देश विकास की राह पर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश में पैराग्राफ 799 पेज 982 पर कहा कि व्यापक शांति बनाए रखने के मद्देनजर हाईकोर्ट का जमीन को तीन भागों में बांटे जाने का फैसला व्यावहारिक नहीं है और इससे किसी भी पार्टी का हित नहीं सधेगा और ना ही इससे स्थायी शांति और तसल्ली की भावना आएगी। अगर वाकई में ऐसा होता तो इसे जरूर मंजूर किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा ऐसा लगता तो नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला अपील के रूप में जमीन का टाइटल तय करने के लिए आया था, लेकिन टाइटल सूट में जमीन जीतने वाले किसी एक पक्ष को सौंपने के बजाय और जमीन बंटवारे को अव्यवहारिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के रूप में मंदिर निर्माण की सारी बागडोर विवादित और अधिग्रहित सारी जमीन जो इस सूट का हिस्सा थी ही नहीं एक ऐसी सरकार को सौंप दी है जो इसकी राजनीति के जरिए ही सत्ता में आई है और राम मंदिर निर्माण जिसके घोषणा पत्र का हिस्सा है। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में उसके बड़े नेताओं की भूमिका बहुत साफ है जिसे लेकर वो आपराधिक मामले में भी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश देकर अलग हट गया, अब आगे तो मंदिर निर्माण के सारे काम एक ट्रस्ट के जरिए मोदी सरकार को ही देखना है। ट्रस्ट कैसे हो इस बारे में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने से ज्यादा कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इस ट्रस्ट के जरिए 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति को एक नया क्लेवर मिल जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा जहां पहले अवतार में मस्जिद को गैरकानूनी रूप से गिराकर शहीद किया गया 30 वर्षों से ये राजनीति हो रही थी, वहीं 2.0 अवतार में अब वो कानूनी तौर पर मस्जिद को ध्वस्त कर और उस जगह में भव्य मंदिर बनाकर होगी। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले खुलकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मत को सही ठहराया और जैसा राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेता
रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मेरे रुख की पुष्टि हुई, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। अयोध्या मामले में अपने फैसले के पैराग्राफ 798 पेज और 922 पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि मस्जिद से मुसलमानों का कब्जा और इबादत का अधिकार 22 और 23 दिसंबर 1949 के दरमियान रात तब छीना गया जब उसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर अपवित्र कर दिया गया। उस समय ये कानून के तहत नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल के तहत किया गया था। इसी पैराग्राफ के अंत में उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जब दावे अदालत में लंबित थे तब एक सोचे समझे तरीके से इबादत के एक सार्वजनिक ढांचे को ढाया गया। इसके साथ ही मुस्लिमों को 450 साल पहले बनाई गई मस्जिद से गैरकानूनी तरीके से वंचित किया गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को उसके पुराने रूप में लौटाने के बजाय उसका संपूर्ण अस्तित्व ही मिटाने का आदेश दे दिया। कानूनी तौर पर मस्जिद गिराए जाने पर भाजपा क्या कहने वाली है, इसका इशारा भाजपा के महासचिव और इंडिया फाउंडेशन के निदेशक राम माधव द्वारा 10 नवंबर को राम टेंपल स्ट्रगल इज ओवर लेट अस होप फॉर दी हार्मिन शीर्षक से लिखे लेख में मिल जाता है। इस लेख में वो बाबरी मस्जिद गिराए जाने को नहीं बल्कि उसे बनाए जाने को बर्बरता और हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थानों को भंजित करने वाला कार्य बता रहे हैं। यहाँ तक कि इस लेख में उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राम जन्मभूमि को उनके सपने के राम राज्य से जोड़ दिया। मतलब जब बाबरी मस्जिद को आधिकारिक तौर पर गिराकर मंदिर के लिए समतल भूमि तब्दील किया जाएगा तब उसे हिंदू धर्म स्थान पर हमला करने वाले आंकृत की निशानी को मिटाने वाला बताया जाएगा। मतलब जब भव्य मंदिर बन जाएगा और श्री राम को मोदी जी की उपस्थिति में उनके कथित जन्म स्थान पर विराजा जाएगा तब उन्हें राम के जन्म स्थान को चंगुल से मुक्त कराने वाले सदी के सबसे बड़े महानायक के रूप में पेश किया जाएगा। जब गैर कानूनी रूप से जुड़ी भीड़ ने हिंदुत्व के हथौड़े से मस्जिद को किराया था तब सिर्फ मुस्लिमों को नहीं मगर देश के हर न्याय पसंद लोगों को उम्मीद थी एक दिन कानून सब ठीक कर देगा, अतः न्याय की जीत होगी। लेकिन अब जब कानून के हथौड़े से मस्जिद को गिराया जाएगा और उसकी तस्वीरें मीडिया चैनलों और अखबार में पूरी कमेंट्री के साथ प्रसारित करेंगे तब क्या होगा। अनेक चैनल हैं जो इसे अंकृताओं के पूरे इतिहास के साथ परोसेंगे, तब क्या उसका जश्न नहीं मनेगा, क्या तब ये सब व्हाट्सएप पर नहीं चलेगा। संविधान लागू होने के बाद एक धर्म की आस्था की निशानी को जमीन दोज कर उस पर दूसरी धर्म के आस्था का प्रतीक स्थापित करने से स्थायी शांति आएगी और लोगों को तसल्ली मिलेगी, ऐसा भ्रम पालना हानिकारक साबित होगा। आस्था के एक प्रतीक को गिराकर उनके ऊपर आस्था के दूसरे चिन्ह खड़ा करने से दुनिया में कभी कहीं भी शांति नहीं आएगी और जिस स्थायी शांति और तमाम तसल्ली के नाम पर हमें इस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जा रहा है वो ऐसे तो कभी नहीं आएगी। कम से कम हमारे सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश तो इस भ्रम का शिकार नहीं हो सकते। बेहतर होगा किसी और का इंतजार करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर स्वयं ही पुनर्विचार करे। वैसे भी जिस अयोध्या विशेष क्षेत्र जमीन अधिग्रहण कानून 1993 की धारा 6 और 7 के तहत केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए योजना बनाने को कहा गया वो समझ से बाहर है क्योंकि इन धाराओं के तहत केंद्र उसी जमीन की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट बना सकता है जो उक्त कानून की धारा 3 के तहत उसे अधिग्रहित की है और जिसका मालिकाना हक उसके पास है। अब जो जमीन ना तो उसने अधिग्रहित की है ना ही जिसका मालिकाना हक किसी कोर्ट ने उसे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं,
तो उस जमीन के प्रबंधन के लिए धारा 7 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग वो कैसे कर सकता है, इस पर कानूनी जानकार ही ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। अतः एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कई दशकों में इस मुद्दे से हिंदुओं की आस्था और भावना इतनी ज्यादा जुड़ गई कि उसका समाधान जरूरी है। और ये भी सही है कि ये मुस्लिमों के लिए हिंदुओं की तरह कोई बड़ा तीर्थ स्थल नहीं है, मगर उनके लिए भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा तो बन ही गया। ऐसे में बेहतर तो यही होता कि दोनों धर्म के लोगों को इसका निकालने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता और इसे एक समय सीमा में तय करने का भी ऐसा कोई दबाव या आग्रह नहीं रखा जाता। आखिरकार ये दो धर्म की आस्था से जुड़ा सवाल था, बेहतर होता तो वो दोनों ही सुलझते। जो मुद्दा 1856-57 यानी ब्रितानी सरकार के समय चल रहा था, वो थोड़ा समय रुक जाता तो कौन सा तूफान आ जाता। इसका तुरंत निकाल किसी और क्यों चाहिए था, क्योंकि जब दोनों समाज के लोग बैठकर इसका कोई निकाल निकालते तभी स्थायी शांति और तसल्ली की भावना व्याप्त होती, होने पर इस पर राजनीति खत्म होने की उम्मीद की जा सकती थी। तो दोस्तों आपने देखा कि 792 और 922वें पेज पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस जगह को हम इसलिए रामलला को देते हैं कि इससे शांति सौहार्द बना रहे और इसके जरिए हम मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। इस जजमेंट में यह भी कहा गया और लोगों ने इसकी समीक्षा की तो लोगों का सवाल यह है कि एक धार्मिक स्थल को जमींदोज करके दूसरे धार्मिक स्थल का बनाया जाना कहां तक जायज है, और अगर आपको लगता है कि इससे शांति कायम होगी तो इससे शांति कायम होने वाली नहीं है। इसको लेकर के अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन तमाम सवालों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।